नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले के चागघाट थाना अंतर्गत ग्राम बघेड़ी में एक नवनिर्मित मकान के अंदर भीषण आगजनी की घटना हो गई। इस दौरान मकान के अंदर रखा सामान जलकर खाक हो गया है। वहीं दमकल की उचित व्यवस्था न हो पाने के चलते आग को बुझाने में स्थानीय लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, जिसको लेकर लोगों के अंदर आक्रोश है। बताया गया है कि आगजनी की घटना के दौरान लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। बिजली घर लाइटें गोल के दे रहा, पेमेंट लाइट आई घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक रीवा जिले के चागघाट स्थित ग्राम बघेड़ी के वार्ड क्रमांक 13 में अज्ञात कारणों से मकान में भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों के साथ ही फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग शीतला प्रसाद द्विवेदी के मकान में लगी थी। जिस कमरे में आग लगी वहां लाखों रुपए के प्लम्बर का सामान रखा हुआ था। लोगों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड की व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होने की वजह से आग बुझाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज भी आग लगने के काफी समय बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, जिसकी वजह से लोगों में काफी आक्रोश रहा है। मैं आपको बता दें, स्थानीय लोगों द्वारा मोटर पंप की मदद से आग पर नियंत्रण पाया गया, जबकि फायर ब्रिगेड के आने के बाद आग पूरी तरह से बुझाई जा सकी। इस दौरान घटना की सूचना पर मौके पर थाना प्रभारी अभिषेक पटेल और पार्षद दिनकर सिंह पटेल द्वारा भी स्थानीय लोगों के साथ आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया।